मेरा सामने वाला लॉन है और इसको हम लोग अभी ये पावर ब्रिज लगवाए, देखिए करने वाले हैं सिग्नल रेड, जो कि काफी तगड़ा लुक आएगा। जैसे गमला देख रहे हैं ना, वैसे इसका लुक आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं समझ फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ और आज एक वीडियो जो है डिफरेंट टाइप का होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ काम करने वाला हूँ घर में, जो कि आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम लोग उसको करते हैं। मैंने काफ़ी यूट्यूब में सर्च किया था तो उसका यहाँ बहुत ही रेयर वीडियो है, तो सोचा कि इसका एक आध वीडियो बना लेता हूँ। तो चलिए अपन ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आप ब्लॉग में फर्स्ट टाइम है और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को एक बार एंड तक डेफिनेटली देखिए, आपको मजा आने वाला है। कुछ डेफिनेटली कोशिश करूंगा मैं यूनिट करने बनाने के लिए। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये है मेरा सामने वाला लॉन है और इसको हम लोग अभी ये पावर ब्रिज लगवाए, देखिए रेड कलर वाला। तो अपन क्या करेंगे, इसका ये रॉ कलर था एक्चुअली, तो इसमें अपन अभी पेंट करने वाले हैं सिग्नल रेड, जो कि काफ़ी तगड़ा लुक आएगा। जैसे गमला देख रहे हैं वैसे इसका लुक आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका पेंटिंग कैसे करते हैं, क्या पेंटिंग करते हैं, क्या क्या इसमें यूज करते हैं और किस तरह का पेंटिंग आपको करना है। तो ये फर्श देखिए, ये रॉ वाला है, इसको हम लोग जैसे लगाए थे वैसे ही ये है अभी। इसमें अभी अपन पेंट करने वाले हैं और इसके लिए देखिए हम लोग ये लिए हैं, एक प्लेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं अपने हिसाब से जो सहूलियत है उसके हिसाब से मैंने लगता है इसमें ईजी होगा। और ये देखिए अपन लेके आए इंडिगो का एक्सट्रीम इमल्सन है, ये गोल्ड सीरीज का है और कलर देखिए ये वाला है सिग्नल रेड टाइप का है। तो चलिए अपन उसको स्टार्ट करते हैं। ये करीब आधा लीटर का, इसमें आपको पानी जो ऐड करना है करीब 100 to 150 ml ऐड करना है। इसका प्राइसिंग मुझे करीब पड़ा था 130 rupees आधा लीटर का, एक लीटर का जो है करीब 200+ ही होगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पेंटिंग। हम लोग देखिए इसको आज सुबह हम लोग अच्छे से पूरा सा पानी से वॉशिंग करके कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, अच्छे से कपड़े में इसको वाइप कर लूँगा, तो इसका जो भी ट्रबल डस्ट वगैरह और भी है वो निकल जाएगा, उसको अपन इसको पेंट कर सकते हैं। बट ये पेंट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये फर्श अपना साफ हो गया तो इसको खाली अपन थोड़ा सा पोंछ के इसका पानी निकाल लेते, फिर इसमें अपन करेंगे पेंटिंग। तो ये कलर है, अभी हम लोग क्या इसका आधा ही यूज करेंगे, क्योंकि मुझे काम थोड़ा सा और भी है तो मैं आधा आधा करके इसका पेंटिंग करने वाला हूँ। तो इसको निकालते हैं, ये ऐसे और ये देखिए प्रॉपर जो आपका सिग्नल रेड कलर है ये, और अपन इसको करेंगे पेंट अभी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं 50% निकालूंगा इसमें और पानी भी थोड़ा सा मिलाऊंगा 50-100 ग्राम। उसके बाद पहले अपन पानी मिला लिए हैं, पानी के साथ थोड़ा सा इसको घोल लेते हैं और प्रॉपर मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पेंट हो गया रेडी, अपन स्टार्ट करेंगे पेंटिंग और देखते हैं कैसा आ रहा है। पेंटिंग हो गया है, आपको इसमें अंतर दिख रहा होगा, देखिए 50% कैसा दिख रहा है और होपफुली ये सूखने के बाद क्लियरली पता चलेगा इसका कैसा कलर आ रहा है। मारने के बाद
ये देखिए ये ऐसे दिख रहा है अभी, और इसमें और एक कोट अभी भरने वाले हैं अपन, तो देखते हैं सेकंड कोट के बाद इसका लुक जो है कैसे आता है। बाकी अभी भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये, पूरा डार्क आ रहा है। और ये देखिए सेकंड कोट, पता चल रहा होगा देखिए फर्स्ट कोट कौन सा है सेकंड कोट कौन सा है, और काफी बहुत ही भोकाली टाइप का लुक आ रहा है, एकदम मस्त लुक आ रहा है। थोड़ा सा सूख जाएगा तो और बढ़िया लुक दिखेगा, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। देखिए फर्स्ट कोट और सेकंड कोट के बीच क्या लुक है। करीब ढाई घंटे मेहनत करने के बाद ये देखिए पेंटिंग, ये देखिए कैसा आउटलुक आया है प्रॉपर भाई साहब, मतलब एकदम बहुत ही बढ़िया है। तो इसको करीब और एक आध घंटा अपन सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कैसा लुक है। और एकदम बहुत ही निखर के आया है, देखिए मैंने फर्स्ट टाइम मारा ये पावर ब्लॉक का कलर, और इस एरिया को ना ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। आपको मैं अगर प्रॉपर दिखाऊँ क्या किया है यार, इतना तगड़ा लग रहा है देखिए एंट्रेंस से ही पूरा सूखने के बाद, भाई साहब एकदम भौकाली है। आप लोगों को जो वीडियो है अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक कमेंट से वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीछे देखिए आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ मैं, कितना अच्छा लुक है, एकदम मस्त है पूरा। और ये अभी थोड़ा अलग टाइप का रौनक टाइप का ही लग रहा है यहाँ पे पूरा, मतलब देखिए अगर आप ऐसे देखेंगे तो मस्त काम हो गया पूरा। सो अपन मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस तरह का अच्छा जो वीडियो आपको अगर देखना है तो चैनल में आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं आपको एक आध फोटोग्राफ शेयर करता हूँ अभी।